सतकाल जी, डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे हो तुसी ते मैं हां रजिंदर अरोड़ा। सो लगातार किसानों के मुद्दे नूं लैके साबका वाइस चांसलर सरदारा सिंह जौहल वालों जदोजहद की जाती रही है और लगातार उन्होंने वालों किसानों के हक के मुद्दे चुके जाते रहे हैं। अज भी उन्होंने वालों किसानों की MSP लैके जी मक्की के उत्ते पंजाब सरकार वालों MSP घटाया गया उसनों लैके उन्होंने वालों लुधियाणा के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँचे ने और नाल उन्होंने साथी भी ने। गलबात करांगे साडे नाल ने जौहल साहब, अज डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुँचे हो? जी जरूर पहुँचे हाँ, पहुँचना पिया क्योंकि जे कसुत्ता ना जागे तो सरकार नूं जगाउणा पैंदा। ये फार्मर्स ने जिहड़े सफर कर रहे ने बहुत सारे, जिहड़ा कि मक्की जिथे कि उहदी MSP जिहड़ी आ 1850 आ, लेकिन मक्की बिजली बाजार 600-700 ज़्यादा 1100, हुण ओह कित्थे जाण? मैं थोनों एक क्लीयर करना चाहुंदा कि जिहड़ी MSP हुंदी आ घट्टो घट्ट सपोर्ट कीमत जिहड़ी आ ओह हुंदी आ कि जिहड़ी गौरमेंट है वह एक वादा करदी आ पक्का वादा कि तुसीं ये फसल ग्रो करोगे तो उहदी इस कीमत एक जिहड़ी आ कि ओह गौरमेंट चुकेगी और वह एक वादा पक्का हुंदा और वह फसल बीजण तो पहला किया जाता ताकि फार्मर नूं पता हो। हालांकि 22-24 क्रॉप की MSP हुंदी है, उहदा मतलब यही हुंदा कि जिमीदार नूं पता होवे किसान नूं कि भई ये मेरी मैनूं कीमत की मिलनी है, उहदे मुताबक वह फसल नूं बीजदा। हुण मक्की की 1850 रुपया जिहड़ी कीमत उन्होंने MSP रखी है उहनूं देख के फार्मर्स ने मक्की बीज दित्ती। हुण मक्की जब बाजार चाहुंदे तां कांग जिहड़ी हैगी आ सरकार ने अपने हथ खिच लै, ये वादा खिलाफी है, ये अनैतिक है। ये जी वजह की मानते हो कि मक्की मार्केट के जिस तरीके ने तुम दस रहे हो कीमत जी अध मुल कर दिती गई है, लेकिन है लेकिन तुम मानते हो कि मक्की जी बाजार वेख ही रही है? बाजार के बिकती 700-800 रुपए तो है ना जी, ज्यादा ज्यादा 1100 की बिकी है। हम जी जी गवर्नमेंट खड़ी है वह मतलब होंगी कि उन्होंने केंद्र है गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग इन द मार्केट एट दिस प्राइस एज ए लास्ट रिसोर्ट कि इदू थले जी कीमत नहीं जाएगी और ये अगर कीमत जाएगी तो इस कीमत उत्ते सरकार खरीदेगी उदू तो भावें अठा ने दे के कोई ले जाए, लेकिन इतने वो गौरमेंट ने अपने पैर खसका लै, जिमीदार बेचारा कितने जाए? यानी ये जी चीज़ है ये बिल्कुल अनैतिक है, विश्वासघात है, अनैतिक है और असं ये उत्ते प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कम जी अनाउंस की वो तो क्यों नहीं चुकया जाता। इन्होंने मेरे ख्याल हरियाणा वाले ने फार्मर्स ने तो कोर्ट की थी, वो भी फार्मर के हक में फैसला दिता हुआ, लेकिन क्योंकि प्रकोर नहीं कर रहे मक्की तो वो नहीं चुक रहा तो सानू होर की करना, अभी एजिटेशन ही करनी, एजिटेशन करके मेमोरियल दे दिने भी सरकार का जोड़ा है जिम्मेवारी बनती है, पक्की जिम्मेवारी बनती है, क्यों नहीं चुकया जाता? हो रहा जी किसानों नूं लगातार जिस तरीके ना पेट्रोल ते डीजल दी कीमतां भी वध रहीयां, कितें ना कितें लगदा कि किसानां दे उत्ते भी बहुत ज्यादा। माफ करना, मैं उस वास्ते नहीं आया, मेरे मूहरे मुद्दा इस वेले किसान दी मक्की दा है कि उहदी मक्की क्यों नहीं चुकी जांदी जे MSP अनाउंस कीती जाए, तां उहदा मतलब की है MSP दा? जिहड़े गौरमेंट ने जिहड़ा वादा कीता उह वादा क्यों नहीं निभा रहा? सवाल तां ना उहदे देख के तां फार्मर ने मक्की बीजी है, उन्होंने चंगी लगी झोने नालों जां दूसरे नालों चंगी लगी है तो उन्हें बीजी आ, वो मार्केट नहीं चुकी जानी तो कितने जाए? हुण गरीब किसान है, छोटा किसान है, वो कितने कि दरवाजा खड़कावे? सो असी तो साड़ी जिहड़ी लोक अधिकार लै रहे सी, लोगों के अधिकार नूं लै के सरकार नूं प्रेजेंट करदे आ, भाई ये हक है, इन्हां दे हक दिओ इन्हां, समझे ना? सो उस हक बारे असी अज इत्थे इकट्ठे होए हां, DC साहब नूं थ्रू DC तो असी गवर्नमेंट नूं मैमोरल नूं देना कि भाई ये तुहाडी जिम्मेवारी बनती है, जिहड़ी स्टेट गवर्नमेंट आ उह सेंट्रल गवर्नमेंट ते प्रेशर देवे कि मेरे क्यों नहीं चुकते तुसी? अगर सरकार ने नहीं कोई इहदे ते ध्यान दिता जी? देखो सरकार ने ध्यान नहीं दिता तो सरकार दी इक की कहते नलायकी आ, क्यों नहीं दिता कि इहदा मतलब परवाह नहीं करते फार्मर जी, इहदा मतलब तो यही होया ना। हुण असीं उहदे कोई डंग तो मार नहीं सकते, वह तो भावें साढ़े मार लैन जिन्नी मर्जी, लेकिन असीं तो उन्होंने कुछ नहीं कह सकते, असीं तो प्रोटेस्ट कर सकते, प्रोटेस्ट किया अज्ज मैमोरेंडम भी दे रहे हैं कि भाई करो, ये तुहाडी जिम्मेवारी बनती है। जिमीदार बेचारा कितने जाए? असं कहने भी जी हम तक मक्की बिक चुकी है, जे तुसी नहीं चुकनी तो जिन्हें मार्केट के फर्क है और थोड़ी MSP वो फार्मर के अकाउंट पाओ, क्योंकि जी बेची वो स्लिप तो हैगी है, 8-3 स्लिप है वो पूरी करो 8:30 तक, जो तुम मक्की थोड़ी लोड़ नहीं, तुम नहीं चकनी
तो वो जो डिफरेंस है दियो क्यों नहीं देंगे। दूजी गल है पंजाब इस वेले अपनी फीड करने वास्ते पोल्ट्री एनिमल वास्ते मिलियन टन के करीब ही 2 मिलियन टन के करीब ही जो मक्की बहरों मंगा बाहर स्टेट चो असी अपनी मक्की क्यों नहीं यूज कर सकते। वो मतलब यह कि सिस्टम जोड़ा आ वो फार्मर नूं सपोर्ट नहीं कर रहा, छोटा फार्मर मर रहा। आ गल तुसी साबका वाइस चांसलर हो, तुसी पहला इस पदवी ते रहे हो, तुहानू भी लगता सरकार दे नाल बैठ के हल हो सकता, कोई तुहाडी गलबात हो सकी सरकार दे? सरकार नहीं सुनदी, सरकार नूं कित्थे जावां मैं, सरकार तां बैठी आ सराकड़ी पहाड़ा च, वो सुनदी किसे नूं? तां एमएलए दी सुनदी, तां साडी की सुननी उहनां? अभी तो भाई प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करके फार्मर के हक में अपने मैंबर दें जो सरकार जागो ठीक है, नहीं जागो तो होर डेढ़ साल छत्तर खा लेने और की है यही होना तेरे को। होर भी किसान आगू भी ने उन्होंने भी गलबात करा सर, अज आए हो लगता कि यह थोड़ी डिमांड पूरी हो पाऊ? देखो इस तरह पहली गल तो सरकार अज शर्म की गल है कि एक 93 साल के खेती माहर ते अर्थशास्त्री किसानों नू नाल लैके उन्हां दीआं समस्यावां लई प्रशासन दे बूहे ते खड़े है। हुण सवाल इस गल दा है कि सरकार कोले किन्ने विभाग है जिहड़े खेती दे नाल संबंधित है, मार्क फैड है, मिल्क फैड है, पन ग्रेन है, पन सीड है, वेयर हाउस है, तकरीबन एक दर्जन विभाग है। सारे दे सारे विभागों की जिन्नी जायदाद है वह सरकार ने वेचती है, सारे दे सारे विभागों के विच जिन्नी भर्ती है वो नामात्र है, सारे दे सारे विभाग अज अपाहज किए हुए है। जिन्ना सरकारां ने पिछले 70 सालों तो राज कीता है वो सारे खेती नाल जुड़े विभागों नूं वेच के खा चुकी हैं। दूजे पासे सरकार ड्रामा कर रही है, दूजियां राजसी पार्टियां ड्रामा कर रही हैं, जिहड़े 3 आर्डीनेंस आए है अजे तो लागू भी नहीं होए, पिछला सिस्टम चल रहा है, कोई प्राइवेट मंडी नहीं आई। अज किसान की मक्की 700 रुपये 800 रुपये क्वांटल विक रही है, जदों के दूजे पासे 1850 रुपये क्वांटल का मिनीमम सपोर्ट प्राइज रेट है। हुण जिहड़ा कास्ट एंड प्राइजेज कमीशन बनाया है केंद्र सरकार ने, जिहड़ा पूरे भारत के किसानों दीआं फसलां बीजण तो पहलां फसलों के घट्टो घट भा निर्धारित करता है, एक कानूनन जिम्मेवारी है सरकार की कि वह 1850 रुपये क्वांटल मक्की की खरीद करे। जेड़े किसानों ने 700 रुपया 1000 रुपया 1100 रुपया वेची है उन्होंने उन्होंने बाकी पैसे दवावे, ये सरकार की जिम्मेवारी है, ना कि सरकार की जिम्मेवारी है भी वह ड्रामे करे तो नाटक करे। अज सरकार दे पंजाब सरकार दे जेड़े खेती नाल जुड़े विभाग है वह कित्थे है? डॉक्टर सरदारा सिंह जौहल ने दसिया कि पंजाब नू 2 मिलियन टन तो वध मक्की पशुआं दी खुराक वास्ते चाहीदी है, वो मक्की यह बाहरले राज्यों तो ते बाहरले मुल्कां तो मंगाउंदे है, ते अज साडा किसान है जिहड़ा वह 600 रुपये मंडी च मक्की वेच रहा है। सो सरकार ड्रामा करन दी बजाए जिहड़ा मिनीमम सपोर्ट प्राइज है एक कानूनन है कहण दे उत्ते बोझ है किसानां ते, सरकार ही बोझ है। अज सरकार कादे वास्ते है? सरकार किन्नियां तनखाहां लैंदी है, किन्नियां पेंशनां लैंदी है, किन्नियां गड्डियां लैंदी है? आ माणयोग डिप्टी कमिश्नर दे दफ्तर दे बाहर मूहरे खड़े हाँ, इत्थे किन्ने मुलाजम बैठे ने, ये सारी सरकार है, इहदे ते किन्ना पैसा खर्चा जा रहा है। पर हुण तो अद्धा घंटा पहला बारिश हो के हटी है, लुधियाणे दे विच 3-3 फुट पानी खड़ा, सरकार कित्थे है? किन्नियां गड्डियां सड़कां ते खराब हो रही हैं। सो अज इत्थे जिहड़े सैकड़े किसान पहुँचे आ डॉक्टर जौहल होरां दी अगवाई च, एक 93 साल का किसान जिन्हें चीन नू खेती नीति दिती, दुनिया के 39 मुल्कों के विच उत्थों खेती नीति ते आर्थिक सलाहां दित्तियां, वो अज सरकार दे बार मूहरे झोली अड के खड़ा है कि मेरे पंजाब के किसानों नू बचाओ। सो सवाल ये उठता है, असी सरकार तो मंग करते हैं, असी सरकार तो मंग करते हैं कि सरकार डॉक्टर जौहल दी ते पंजाब दे लखां किसानां दी पकार सुने। अज मक्की वाला किसान रुल रहा है, कल नूं मूंगी वाला किसान रुलूगा, जिन्हां ने सब्जियां बीजियां ने वो रुल रहे ने। सो सरकार ड्रामे कर रही है, अजे प्राइवेट मंडियां पंजाब च आईयां नहीं, पहलां वाले हालात चल रहे हैं, तो अज सरकार कित्थे? सरदारा सिंह
तस्वीर देख सकते हो कि लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर दियां ने जिथे सरदारा सिंह जौहल लोक अधिकार जी लहर के जोड़े आगू इतने पहुँचे ने उन्होंने वालों रोष भी जाहिर किया जा रहा है कि किसानों के हक के सरकार फैसला लवे ताकि वह भी अपना गुजारा कर सकन जिस दे चलते उन्होंने एम एस पी लैके भी सरकार का विरोध जताया। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हमें सबसक्राइब करो, बैल आइकन पर क्लिक करो।